बिहार में इस समय शराबबंदी और शराबबंदी को लेकर बिहार फिलहाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक किया था जिसमें सभी जिला के पदाधिकारी मौजूद थे और उसमें कई निर्देश दिए गए थे। आपको हम बता दें कि आज फिर से रोहतास जिला के डीआरडीए सभागार में रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी को लेकर ही सासाराम के होटल संचालकों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती भी उपस्थित रहे, सासाराम एसडीएम मनोज कुमार, सासाराम एसडीपीओ बीके राव समेत कई वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और इस बैठक में होटल संचालकों को कई निर्देश दिया गया जो कि रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा दिया गया। एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि अपने हाथ में देख सकते हैं, यह प्रेस विज्ञप्ति है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा बैठक में उपस्थित सभी होटल संचालकों को बताया गया कि बिहार में मद्य निषेध कानून लागू है जिसमें यदि आपके होटल में शराब की सूचना या शराब पाए जाने पर होटल को सील करते हुए संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है लिखा हुआ जिला पदाधिकारी द्वारा सभी होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है और साथ साथ अनुरोध भी किया गया है कि आप बिहार में शराबबंदी कानून की सख्ती से अनुपालन कराने में प्रशासन का सहयोग करें के साथ साथ अनिम सावधानियों को बरतने से शराबबंदी को लागू या पालन कराने में सहूलियत होगी। तो क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया होटल संचालकों को मैं आपको पढ़ के एक बार बताना चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। पहला जो है ये कि होटल में सीसीटीवी की व्यवस्था होना चाहिए, विशेषकर आने जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा लैस होना चाहिए। मतलब कि जो भी होटल है जहां पर शादी विवाह हो रहा हो होटल में तो सीसीटीवी रहना चाहिए, साथ साथ जो भी होटल के आने जाने वाला रास्ता है रास्ता में भी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था अनिवार्य हो जाए। दूसरा जो है ये है कि शादी विवाह के हॉल में भी सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि शादी विवाह मतलब जिस हॉल में शादी विवाह संपन्न हो रहा है उसमें भी सीसीटीवी लैस होना चाहिए। तीसरा जो है ये है कि सभी आगंतुक यानी जो भी गेस्ट है उनका एंट्री रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए। मतलब कि शादी विवाह में जो भी बराती लोग आएंगे जो भी लोग शामिल होने के लिए आएंगे उनका काउंटर पे एंट्री रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में सभी लोगों का नाम दर्ज होना अनिवार्य है। चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि होटल में ठहरने वाले सभी व्यक्तियों से घोषणा लेना है जिसमें शराब नहीं पीने तथा शराब को वहन नहीं करने के संबंध में घोषणा। मतलब कि जो भी होटल में लोग आएंगे उन लोगों से कमिटमेंट लेना है कि वे लोग शराब नहीं पिए और साथ साथ अपने साथ शराब को लेकर नहीं आए। पांचवा जो दिशा निर्देश है ये है कि होटल के सभी कमरों में शराबबंदी से संबंधित पंपलेट रखना है, यानी कि होटल में जो भी कमरा होगा जो भी रूम्स होंगे सभी रूम में शराबबंदी कानून को लेकर साथ साथ शराबबंदी को लेकर एक पंपलेट चिपकाना या एक पंपलेट रखना अनिवार्य होगा। छठा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है छठा पॉइंट जो कि डिलीवरी बॉय का होटल के कमरों तक पहुंचना होना, यानी जो भी डिलीवरी बॉय होते हैं उनको होटल के कमरे तक नहीं पहुंचना है। मतलब कि होटल के रूम तक कोई भी अगर कोई व्यक्ति जो होटल में ठहरा हुआ है और वो किसी चीज का मतलब ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो भी डिलीवरी बॉय उसको पहुंचाने वाला होंगे वो होटल के रूम तक नहीं पहुंचेंगे बल्कि काउंटर पर उनको अपना सामान दे देना, काउंटर से जो लोग होगा वही लोग होटल के रूम तक पहुंचाएंगे। मतलब डिलीवरी बॉय को होटल के रूम तक नहीं पहुंचना है। सातवां जो पॉइंट है ये है कि होटल में शराबबंदी से संबंधित सिग्नेज होना चाहिए, मतलब होटल में शराबबंदी से संबंधित सिग्नेज होना चाहिए। आठवां जो है ये शराबबंदी के बारे में सूचना रिसेप्शन काउंटर पर लिखा होना चाहिए, जो होटल का रिसेप्शन काउंटर होता है जो स्टार्टिंग में एंट्री करने पर मिलता है वहां पर शराबबंदी कानून के बारे में जरूर एक मतलब सूचना मतलब वहां पर एक चिपका होना चाहिए। नौवां जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है नाइन्थ पॉइंट ये है कि शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना को एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया जैसे 15545 या फिर 012-228-7012 या फिर एक और टोल फ्री नंबर है 1800-345-6268 पर सूचित करने के संबंध में सुझाव दिया गया, यानी कि जो भी शराब से संबंधित कोई भी अगर सूचना अगर देना हो इन चारों टोल फ्री नंबर पे आप दे सकते हैं। वहीं नीचे मैं आपको बता दें कि प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है उपस्थिति में सभी होटल संचालकों द्वारा प्रशासन का सहयोग करने के साथ ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लागू करने में जिला पदाधिकारी रोहतास पुलिस अधीक्षक रोहतास द्वारा ये सुझाव दिए गए हैं जिसमें सहमति भी व्यक्त की गई है, यानी कि जो भी ये सारा जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये सारे होटल संचालकों को सुझाव दिया गया अगर इन पॉइंट पर लोग काम करते हैं तो बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू कराया जा सकता है और साथ साथ जो भी आज शराब बिहार में कहीं पकड़े जाते हैं या फिर होटल वगैरह में तो इससे बचा जा सकता है। अब इस पूरे बैठक के बारे में जब हमने बात किया रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से तो उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। सर होटल संचालकों के साथ किस उद्देश्य के साथ मीटिंग की गई? होटल संचालकों के साथ आज जो है एसपी साहब और हमारा एक जो है रिव्यू हुआ है उसमें बेसिकली अभी शादी ब्याह का सीजन है और बहुत से लोग आउटसाइड से भी आते हैं तो शराबबंदी के उद्देश्य से इसको हम लोगों ने आज का ये जो था रिव्यू रखा गया है कि यदि कोई बाहर से आता है तो उनको सख्त
रूप से हिदायत दी जाए कि बिहार में शराबबंदी है और सभी लोगों को आइडिया भी है इस बात का, और यदि शराबबंदी का कहीं भी कोई साक्ष्य हासिल होता है तो पूरे होटल को और पूरा जो भी उसके आसपास का उनका लैंड होगा सबको सील किया जाएगा। और ये प्रश्न रोहतास जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।